हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आए आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट फुल फ्री, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा, तो कौन कौन से मॉडल होने वाले हैं सारी बातें करेंगे इसमें। सबसे पहले हमारे सामने जो मॉडल है वो है GL-B241APBD, ये 2022 का मॉडल है, हालांकि 2023 में भी ये आ रहा है। तो दूसरा हमारे पास एक और 2023 का GL-D241ABEY, तो ये जो है डिस्प्ले पर आप पढ़ सकते हैं, पूरा मॉडल यही है। जो क्लियरिटी के साथ में दोनों ही कलर जो है बहुत यूनिक है, बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पर LG के साथ ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दोनों में जाती है, कंप्रेसर के साथ में 10 ईयर वारंटी यहां पर आपको देखने को मिलती है, और ये फास्टेस्ट कूलिंग वाले फ्रिज कहलाते हैं। और कलर की अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से कलर यहां देखने मिलते हैं। ये है हमारा 3 स्टार में, और जिसमें कि पर्पल टाइप का कलर हमें देखने को मिलता है पर्पल में, और ये ब्लू कलर में है, जो ये है हमारा 4 स्टार यानी 4 स्टार। और दोनों के मॉडल हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और डिस्प्ले पे भी आप पढ़ सकते हैं, और LG ब्रांडिंग के साथ दोनों ही मिलते हैं। और अगर इसे ओपन करके देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है अंदर की साइड से भी। इनके प्राइस रेंज की भी बात हम अभी आगे करेंगे, फिलहाल हम जैसे ऊपर से इसे ओपन करते हैं डोर को, और काफ़ी अच्छे से अंदर को देखने को मिलता है, जैसे कि हमें नॉर्मल फ्रिज में सब देखने मिलता है। अंदर की तरफ आपको ट्रे वगैरह और यहाँ पर सेल्फ लगी हुई आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे नीचे एक छोटी सी सेल्फ दे रही है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान कुछ यहाँ पर रख सकते हैं, एक बड़ी सेल्फ और एक उससे और बड़ी सेल्फ, यानी 3 सेल्फें बड़ी वाली आपको देखने को मिल जाती हैं। और छोटी सेल्फ की यहाँ पर बात करी जाए तो 4 ये देखने को मिलती हैं, 1, 2, 3, 4, और साथ में आइस मेकिंग जो आपकी ट्रे होती है वो भी आपको साथ में देखने मिल जाती है। ऊपर आपको एक चिलर ट्रे यहाँ देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल हर फ्रिज में आपको सिंगल डोर वाले में देखने को मिल जाएगी, जिसे कि कूल फ्रेश जोन भी कहा जाता है। उसके बाद नीचे सेल्फ मिल जाएगी, जिसमें कि आप भगोना वगैरह रख सकते हैं, दूध वगैरह रखने के लिए यहाँ पर भी आपको 3 सेल्फ्स मिली हैं, 1, 2, 3, 3 सेल्फ्स ये हैं इस तरीके से। उसके नीचे हमें मिल जाता है वेज बॉक्स, वेज बॉक्स के ऊपर हमारा एक कवर लगा हुआ होता है, जिसमें आप वेज भी रख सकते हैं और अपने फ्रूट्स वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं, यानी वेजिटेबल्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें टेप लगवाया है, इसे हम हटा लेते हैं, और रिमूव करने के बाद आपको दिखाते हैं इंटरनली अंदर से कितना बड़ा देखने मिल रहा है। दोनों ही फ्रिज में हमारा जो है नॉर्मली ये बड़े हैं, और जो है जैसा इसका साइज है बिल्कुल सेम टू सेम दोनों का साइज एक सा ही होगा। तो हम एक का ओपन करके यहाँ पर देख लेते हैं और इसे हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो स्टेप को हमने हटा लिया और बाहर को इसे बॉक्स को खींच लिया है, तो इस तरीके से इतना बड़ा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। नॉर्मली थोड़ा कैमरे में आपको बड़ा दिख रहा हो हालांकि, लेकिन आप जब आंखों से सामने देखेंगे थोड़ा हल्का सा छोटा ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। साथ में आपको मिल जाती है मैनुअल बुक्स और एक की अंदर, जो कि आपको लॉक करने के काम आएगी आपके फ्रिज को, जिससे कि हम बाद में आपको दिखाएंगे। बाहर की तरफ से यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ होता है डोर को लॉक करने के लिए, नॉर्मल लॉक होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और इसकी भी वजह होती है, इसलिए जो है इसमें कच्चा लॉक रखा जाता है। मिल जाता है आपको थर्मोस्टेट कंट्रोलर, यानी कि जो आपके टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है, जैसे कि नॉर्मली हर फ्रिज में आपने देखा होगा। डिस्प्ले वाले फ्रिज में हमने आपको बताया इसमें ये नहीं था, वो उसकी हमने वीडियो पहले बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, प्राई बटन पे यहाँ इधर उधर कहीं मिल जाएगा आपको। डोर को जैसे हम अंदर की तरफ खोलते हैं तो मिल जाता है हमारा फ्रीजर जोन अंदर की साइड, जहाँ पर कि आप बर्फ़ जमाने से रिलेटेड जो भी आइटम्स अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर थर्मोस्टेट में आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ पर लैंप भी आपको मिलता है, चिलर ट्रे है, चिलर ट्रे को आप बाहर भी निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे कि नॉर्मली हर फ्रिज में होता है। तो इंटरफेस जो अंदर का है वो कुछ इस तरीके का है इस फ्रिज का, और साइड में जो है स्विच वगैरह डोर के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि आपका कुछ यूज का नहीं है। फिलहाल दूसरे फ्रिज की तरफ हम जाते हैं, जिसका कलर जो है आपके सामने है ब्लू कलर का, जो कि देखने में मिलता है काफ़ी बाहर से ग्रूच या टाइप का यहाँ पर हमारे जो है टेक्सचर बना हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइनिंग यहाँ पर की गई है। तो ये फ्लावर के साथ में आपको देखने को मिलता है डोर पर, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। मॉडल हमने आपको पहले ही बताया था, दूसरी बार दिखा रहे हैं GL-D241। और जो है इसके अंदर जो खासियत है वो यह है कि 220 लीटर का है फ्रिज, और वो भी 220 लीटर का है, दोनों फ्रिज हमारे 220 लीटर में। फिलहाल से इसे अंदर से ओपन करते हैं, सेम उसी की तरह आपको यहाँ पर मिल जाती है आइस मेकिंग किट के साथ में, यानी कि ट्रे मिल जाती है, 4 सेल्फ है आपको वही सेम देखने को मिलती है, 1, 2, 3 ये बड़ी वाली सेल्फ है, आपको यहाँ पर बड़ी 2 देखने मिली, एक छोटी सेल्फ और नीचे, यानी कि 3 सेल्फ ये टोटल मिलाकर हैं। और अगर अंदर की बात करते हैं आप सामने फ्रेशर जोन के, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा हमें देखने को मिलता है, एक थर्मोस्टेट है जैसे कि सेम पहले था वैसे ही इसमें भी है, और इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं 7 नंबर तक, जो कि बरसात के हिसाब से, ठंड के हिसाब से और गर्मी के हिसाब से सब तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अंदर अगर बात करते हैं फ्रीजर की, तो बिल्कुल सेम टू सेम फ्रीजर के साइज दोनों के सेम है, और लीटर वाइज अगर कैपेसिटी की बात करते हैं दोनों की ही सेम है बिल्कुल, जो कि हमने पहले फ्रीज दिखाया और ये वाला फ्रीज, दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अगर अच्छी लटरी की बात करें तो यहाँ पर एक स्टिकर आपको देखने को अच्छा सा मिल जाता है, जैसे कि कूलिंग जोन, जो कि कूलिंग जोन है बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर बटर वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह की जैम वगैरह होती है। बात करें इसकी 1, 2, 3 यानी कि 3 सेल्फ से यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो है आपको दे रखा है 175 kg तक ये लोड जो है सह सकती है, तो काफ़ी अच्छी तरीके है यहाँ पर। और अंदर से फिर से वेज बॉक्स की बात करें तो बिल्कुल सेम साइज आपको देखने को मिलेगा, पहले वाले का था, मॉइस्चर कंट्रोल फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस, तो यानी कि जो है मॉइस्चर से कंट्रोल करता है, इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर दे रखी है, वही
डोर स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाता है सेम जैसे कि पहले वाले में था, और बिल्कुल सेम टू सेम दोनों ही फ्रिज एक से हैं। कैपेसिटी और वाइज सब कुछ यहाँ पर बात की जाए तो सब कुछ सेम है इसके अंदर। और थोड़ा सा यहाँ पर स्टिकर आपको देखने को मिल जाते हैं अंदर की साइड में वेज बॉक्स, और यह है आपका डोर लॉक। अब बात करते हैं दोनों की प्राइस रेंज की, तो दोनों प्राइस आपको देखने को मिल जाते हैं 20,490 रुपये अमेजोन पर। दोनों की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और देख सकते हैं आप दुकान से अगर बाई करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको 19,000 और 19,500 या 20,000 के आसपास ये देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ यहाँ पर रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सब कुछ आपको बता देंगे। किसी और वीडियो को आपको स्पेशल चाहिए हो कुछ और वीडियो किसी भी मॉडल से रिलेटेड तो आप बताइए हमें, उसका भी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।